आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्मनिराकुर्यम् मा ब्रह्म निराकरणमस्तु निरा अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषश्वधर्मास्ते सन्तु ते सन्तु ओम शांति 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 शंकर शंकरचार्य केशव शूत्र भाष्य भगवत पुनः पुनः ईशरो गुरुरात्मे भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणाूर्त नमः ओम शांति शांति शाति <coughs> छांदोग्य उपनिषद के सप्तम अध्याय सप्तमाध्याय खंड का विचार चल रहा था नाम से लेकर के आकाश पर्यंत आए उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है <क्ष्थ> आकाश से भी कोई बढ़कर है क्या पूछा नाराज जी ने तो कहा है स्मरो भाव आकाशाद ये स्मरण है बुद्धि में उपस्थित वस्तु हो तो उसका ज्ञान होगा है ना और ज्ञान यदि वस्तु का ना हो तो वस्तु होने पर भी इसका कोई उपयोग नहीं होता है सृष्टि दृष्टि बात के अनुसार तो सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार वस्तु का ज्ञान होने पर ही वस्तु में सत्ता रहती है लेकिन जो दृष्टि सृष्टिवाद होता है दो सत्ता एक ब्रह्म की सत्ता है पारमार्थिक और बाकी सारे जगत की सत्ता है प्रातिभाषिक इसको कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद दृष्टि एवं सृष्टि दृष्टि सृष्टि दृष्टि ही सृष्टि है अथवा दृष्टि होने पर भी सृष्टि है होने पर ही सृष्टि है ठीक है तो इसलिए दृष्टि सृष्टि बात के अनुसार वस्तु का यदि ज्ञान न हो तो वस्तु के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं होता है दोनों पक्षों को यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने उठाया ठीक इसलिए नापि सत्यम स्मृति अभावे सक्यम आदि नाम इति अतः स्मरण से आकाशाद वयस्तम ये दृष्टि सृष्टि बात के अनुसार हुआ पहले कहा था आकाश आदि का स्मरण न हो तो वस्तु होने पर ही वस्तु भोग्य नहीं होगा उसका उपयोग नहीं होता है समझ और अंत में जो बताया वस्तु का ज्ञान यदि ना हो तो वस्तु है ही नहीं वस्तु के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं है ठीक है <coughs> आगे चलते स्मरण से भूयस्तम अनुह अनुसारणा साधयति। आकाश आदि की अपेक्षा जो स्मरण है स्मरण किसका नाम है अंतकरण का धर्म जो वृत्ति विशेष है वो यहाँ पर स्मरण स्मरकार स्मरणम अंतकरण वृत्ति विशेष तो स्मरण आकाश आदि के अपेक्षा से बढ़कर है उसको अनुभव के अनुसार दिखलाते हैं देखिए कि दृश्यते ही लोके स्मरणस्य से स्मरणस्य स्मरण दृश्यते स्मरण में भुयस्त है बढ़कर है ये व्यवहार में देखा जाता है दृश्य में लग, देखा जाता है यस्मा क्योंकि तस्मा इसलिए यद्यपि समुदिता बहुव एकस्म आश्रिय उपवेशु हो ते त्र <laughs> <coughs> ते ये क्या है भी? हाँ ते तत्र आशिना अन्योन्य भाषित अभी ना ना नेवते न स्मरत न स्मरत स्योर नैवते कंचन शब्द शुणु है ना तथा न मंदिर मंत्य चेत है स्मरे तदा मंदिर स्मृति न मंदिर कदा न बिजानीरन है देखो ये सहचार न्यतिरिक्त सहचार से बोल रहे हैं यहाँ पर ठीक है ना तो बोलते हैं कि बहुत लोग एकत्रित है ठीक है ना और क्या है एक जगह पर बहुत लोग एक जगह पर बैठे हैं मान लो जैसे आप लोग बैठे हो और क्या हाँ एक स्थान है समुदिता भव आशीरन है ऊपर विषय बैठे हैं सब आ तेतर आशीन वहाँ पर जो बैठे हैं अन्योन्या भाषितम एक दूसरे को बोल रहे है एक दूसरे को क्या है बोल रहे है न स्मरण तश्चेत यदि स्मरण नहीं करते हैं तो नेवते कंचना शब्द हम सुनो हो कुछ शब्द सुने देगा जी शब्द के अर्थ का स्मरण नहीं हुआ तो कुछ ज्ञान होगा क्या उसको कुछ नहीं होता है बुद्धि उपस्थित हो तो अर्थ नहीं होता है, है ना इसलिए श्रवण नहीं होता पहले निश्चय नहीं होता है पहले निश्चय पहले जो श्रवण होता है श्रवण के बाद क्या करते हो मनन होता है पहले सामान्य रूप से मान लेते हो कि अर्थ है फिर मनन किया जाता है तो ना मन निरन श्रवण नहीं होगा तो मनन नहीं होगा है कि नहीं हम्म अरे मनन यदि हो जाए तो क्या होता है स्मरण होता है स्मरण ठीक है तदा मंडीरन स्मृति अहावाद यदि स्मरण नहीं हुआ तो न मंडीरन तथा तो ज्ञान भी नहीं होगा निश्चय भी नहीं हो सकता अच्छा <coughs> जी देखो इसको कहते हैं थोड़ी टीका है ही का अर्थ हो गया यशमान कहाँ पर ही है दृश्यते ही ही शब्दार्थ और यशमान स्मरणा अभावे श्रवणादि अभावम ये देखो व्यतिरिक स्मरण यदि ना हो तो श्रवण नहीं होता है ठीक है ना स्मरण यदि ना हो तो श्रवण नहीं होता आदि से मनन निद्यासन ठीक है ये व्यतिरिक हो गया और अन्य कैसे होगा तदभावे तदभावम तदभावे में तत्कार तत्काराव तदभाव में तत्कार क्या स्मरण अरे अरेवि तदभाव का तो स्मरण भाव बोल रहे हो ना तत्कार मैंने पूछा तत्कार क्या है स्वरूप बोलो अरे भी अरेविद भावे में तत्कार्थ क्या स्मरण है तत्काल स्मरण है कि स्मरण भाव है हाँ वही पूछ रहा हूं आपको तदभाव का तो स्मरण भाव है अरे तत्कार स्मरण स्मरण होने पर भाव करता होना मतलब स्मरण सत्वे तदभाव स्मरण सत्व तदभाव मतलब स्मरणादि भाव है कि नहीं श्रवण श्रवण आदि भाव श्रवण करेगा मनन करेगा समझ में नहीं जो आप सुन रहे हो पहले बुद्धि में उपस्थित होगा ना है ना पहले बुद्धि में अर्थ उपस्थित होता है उसको कहते हैं क्या स्मरण फिर आपको फिर क्या होगा हाँ ये ठीक है फिर संशय हो तो मनन करोगे फिर विपरीत भावना हो तो निर्ध्या करोगे ये होता है श्रवण मनन निर्ध्यासन कब होगा यदि स्मरण हो तो ठीक है इसलिए कह दिया जदा बावते स्मर ये हो यह है, देखो <coughs> ये नमस्ते। है नमस्कार जदा बावत स्मरण एकत्रित बैठे हैं और यदि स्मरण करते हैं शब्द के अर्थ का बुद्धि में यदि उपस्थित करते हैं तब क्या करेंगे फिर मंतव्यम फिर मनन भी करेंगे श्रवण के बाद फिर क्या करेंगे विज्ञातव्यम श्रोतव्यम श्रोतव्यम को बाद में लिख दिया कोई बात नहीं पाठक्रम अर्थक्रमो बोलिए ना पहले मनन निध्यासन करेंगे कि पहले श्रवण करेंगे हाँ इसलिए श्रोतव्यम मंतव्यम विज्ञातव्यम ऐसा समझ लो भाषा में दिया कि नहीं भाषा में पहले क्या दिया है मंतव्यम और तृतीय में क्या दिया है आप क्या समझोगे श्रोतव्यम को पहले ठीक है जी हाँ तदविद्धि पणिपाते ना परिपष्ट ना या पहले सेवा करोगे पहले पढ़ोगे ये भगवान दुश्मन का तदबुद्धि पणिपाते ना परिपश्चना सेव या सेवा तो बाद में और पहले प्रश्न करो फिर बाद में फिर जो सेवा करो ऐसा है क्या पहले सेवा के द्वारा गुरु को प्रसन्न करना पड़ता है ठीक है जब समा देंगे तब तो फिर क्या है बोर्ड हो गए चाहे ग्यारह बजे हो चाहे बारह बजे हो ऐसा ना कि अपनी इच्छा के अनुसार नहीं नहीं आपको यही समा देना पड़ेगा तब तो जाकर हम पढ़ेंगे <laughs> ऐसा नहीं है <laughs> आगे देखो अथ शुण हो अथ मन निरन देखो श्रवण करता है मनन करता है ठीक है अथ बिजाण फिर ज्ञान भी हो जाता है नहीं, तथा इसलिए देखो थोड़ी टीका है इतच्च अस्थि भूयस्तम इसलिए भी इस स्मरण को बढ़कर मानना चाहिए किसकी अपेक्षा से आकाश का जो प्रसंग चल रहा था पहले उसके पिक्चर से तथा तो भाष्य स्मरेणा वही मामा पुत्रा ये इति पुत्रन बिजाती स्मरण पशु है जो सो जाते हैं ना कम्बल उड़ करके फिर उड़ने के बाद स्मरण होता है कि नहीं मामा पुत्र ये मेरे पुत्र है ये मेरे पुत्र है ये मेरे शिष्य है विस्मरण पशु विस्मरण के द्वारा पशु को भी जान लेता है कौन यहाँ पर गौ आदि पशु है। तद भूयस्त फलित माह इसलिए स्मरण जो है वो भूय है स्मरण में भूयस्त तो है श्रेष्ठ गुण है आकाश आदि के पीछे से ये फलित अर्थ निकला अतो भूयस्त स्मरण उपास्वेति आकाश आदि की अपेक्षा से ये स्मरण जो है श्रेष्ठ गुण वाला है श्रेष्ठ प्रतीक है इसलिए स्मरण में ब्रह्म के दृष्टि से उपासना करो उपाश्वित उपासना का विधान हुआ ठीक है बाकी का अर्थ तो पहले की तरह कह दिया गया उक्तार्थम अन्यत अन्यत किम उक्तार्थम अन्यत अन्यत किम अन्यत पदम अन्य जो वाक्य है मंत्र में जो अन्य वाक्य है कि नहीं ये सब पहले की तरह ले लीजिए द्वितीय मंत्रों को पहले नहीं पढ़े ना पढ़ लेना चाहिए सरम ब्रह्मस्ते स्मर से गतम

ये तो जानते हैं आप लोग जो कोई उपासक स्मरण ब्रह्म उपास्ते ये ब्रह्म है कौन ब्रह्म है स्मरण ये जो अंत्यकरण वृत्ति विषय जो स्मरणात्मिका का जो वृत्ति है वो ब्रह्म है इस प्रकार जो उपासना करता है तो स्मरण की गति मतलब विषय जहाँ जहाँ है वहाँ पर जो है यथेष्ट विचरण होता है ये उपासना की स्तुति हो रही है ऐसे नहीं कि सर्वत्र घूमने के लिए ब्रह्मा के उपासना करेगा ऐसा है क्या ये तो स्तुति है फिर स्मरण से बढ़कर कोई है क्या बोले है उसका उपदेश करो इसी चीज को कहा भाष्यकर भगवान ने उक्तार्थम अन्य ये द्वितीय मंत्र का अर्थ तो पहले की तरह ही है त्रौद खंड हुआ उसके बाद देखो नारायण बोलते हैं कि जो है या आशा यदि ना हो तो है तो आदमी कुछ भी स्मरण नहीं करता है प्रवजनम बिना मंदो है ना, ना जिस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो ना, लोग पानी पी पी करके जो है वो आशा करते कि नहीं याद करते हैं याद क्यों करते हैं उसको प्राप्त करने की इच्छा है ना? समझ में स्मरण कब होगा वस्तु का वस्तु वो को प्राप्त करने की यदि आशा हो तो है कि नहीं अभी याद नहीं हो रही है माथा जो है गर्म है थोड़ा चाय लाओ बोलते कि नहीं चाय पीने के बाद फिर याद आ जाएगी चाय पी लाओ टाइम पर माथा जो है दर्द हो जाता है कि नहीं चाय पीने की आदत हो तो तब ठीक स्मरण हो जाता है, <laughs> है कि <की> नहीं <coughs> इसलिए देखा जाता है कि स्मरण का हेतु तो आशा है आशा वाव स्मराद भूय भूयसी आसिध्यो वै मंत्रान अधीते कर्माणि कुरुते पुत्रश पशु छे छत हिमाच लोक मम चे छत आशा मुफाश्वेदी ये देखो स्मरात आशा वरात के बाद क्या पद है मालूम है भूयसी ठीक है विच्छेद कर रहा हूं। भूयसी और आसे धो ठीक है ना भूयसी के ई को क्या हो गया ई इको ची, समझ में ना? हाँ वो सूत्र जो है ई को हर सही कार को बोलते हैं कि कार को बोलता है हम्म कार को यह तो कार है कैसे होगा आ जाएगा मालूम मैंने ठीक है और प्रत्यय ठीक है पहले मैंने बताया था है ना ये सब विधि सूत्र के पास संज्ञा सूत्र परिभाषा सूत्र आकर के मदद करते हैं सब वो बोलता है मेरे पास आ जाओ मेरी मदद करो बोलता है कौन बोलता है विधि सूत्र बोलता है कि मैं जो समर्थ नहीं हो मैं अपना अर्थ को बोध कराने के लिए तुम जो है आकर के मेरी मदद करो बोलते हैं ना नवहार में कि कमजोर पड़ गया है तो लोग आकर मदद करते हैं ना करते हैं नहीं इस वक्त विधि सूत्र जब कमजोर कमजोर तो होता ही है सभी विधि सूत्र कमजोर ही है तो संज्ञा सूत्र आएगा परिभाषा सूत्र आकर के मदद करेंगे सब समझ औंगदी सवर्ण से चा प्रत्यय ये भी क्या है संज्ञा सूत्र है कि परिभाषा सूत्र है सूत्र क्या सूत्र है हैं संज्ञा सूत्र क्या संज्ञा करता है बोलो मैं क्या संज्ञा करते है बोलो कौन सी संज्ञा करता है सवर्ण संज्ञा सवर्ण की संज्ञा सवर्ण संज्ञा नहीं <laughs> जैसे अ ई सब क्या है संज्ञा है क्या है ये संज्ञा है और संगी अटर समझ में कि इकोच में जी ई है वो भी ये क्या है संज्ञा है और उसके संगी कितना है अठर ये अठरह ई के स्थान पर आदेश आदेश होगा आया चलो इसलिए यहां पर एक और गण हो गया हाँ इसलिए बोलते हैं कि भूय से स्मरण से आशा जो है बढ़कर है क्योंकि आशा स्थिलिग्न है ऐसा कह रहे तो मतलब तात्पर्य ये हुआ कामना हो तो किसी का स्मरण करोगे कामना यदि न हो ना किसी का स्मरण नहीं करोगे नहीं जैसे देखो निद्रा भी नहीं हो रही है नींद भी नहीं आ रही है और जो है भजन भी नहीं हो रहा है तो मन क्या करेगा बोलो मन क्या करेगा मनोराज्य करेगा कि नहीं ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए तो किसको चाहेगा जिसकी आशा हो उसी का स्मरण करेगा ना मनोराज्य करेगा व्यवहार में है कि नहीं जिसकी जिसकी आशा नहीं है जिस विषय की आशा नहीं है तद तो विषय का स्मरण नहीं होता वह है कि नहीं ऐसा ये सिद्धांत है ये अच्छा आगे देखो ये ये पुरुष जो है ना स्मर आशो वही स्मर ये देखो नारायण जिसमें निद्रा नहीं है जिसमें भजन नहीं है ये व्यक्ति में कौन सी आग लगती मालूम है आशा रूपी आग लगी रहती है, उनके मन में ना एक आग जलती है कौन सी आग है आशा आशा रूपी आग से उसका मन जलता है रहता है मनोराज्य करते भजन नहीं करने वाला मनोराज्य न करेगा इसलिए आसिद्ध आशया सिद्ध आशा, आशा रूपी अग्नि से जल जाता है कौन स्मर स्मरती स्मर स्मृति धातु से हा पचादी अच प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा स्मर ठीक है पहले कौन सा प्रत्यय किए थे पहले भी स्मराया आया था अप्रत्यय वो किस अर्थ में था करण अर्थ अंतकरण के वृत्ति का नाम वो स्मर हो गया और यहाँ पर स्मरण किसको कह रहे हैं व्यक्ति को कहते स्मरति स्मरण स्मरण करने वाले को कह रहे स्मरण और वहां पर जो कहा था स्मरति अनयती स्मरण यही तो व्याकरण है व्याकरण से शब्द के शब्द के साधुत्व का ज्ञान होता है तो यहाँ पर ऐसा अर्थ हुआ वहाँ पर ऐसा अर्थ हुआ कैसे पता लगेगा व्याकरण पढ़ने से पता लगेगा ये ठीक है आश्धर ये स्मरण जो करने वाला जो व्यक्ति है आशारूपी अग्नि से प्रदीप्त हो के मंत्रान अधित्य मैं मंत्र को पढ़ूं ऐसी इच्छा होगी ना मैं मंत्रों को पढ़ू गुरु के मुख से गुरु के पास जाकर के हो गया पहले मंत्रान अधिते मंत्र का अध्ययन करता है फिर मंत्र का अध्ययन करेगा तो ज्ञान होगा उनको कर्म का ज्ञान होगा नहीं आ, जैसे जावा जावा जीवम अग्निहोत्र जो हो जात है कर्माणिक कुरुते कर्म कर लेता हो मतलब पहले मंत्र वाक्य का अध्ययन होता है फिर ब्राह्मण वाक्य से वो विधि को सुनता है पहले मंत्र को सुनेगा फिर उसके बाद किसको सुनेगा ब्राह्मण वाक्य को सुनेगा ब्राह्मण वाक्य में विधि का कथन किया गया किस प्रकार से विधि की जाएगी व्याख्यान है ना ऐसे कह रहे फिर कर्म का ज्ञान कर्म का अनुष्ठान करेगा पुत्रांश्च पशुश्च इच्छते और व्यवहार में कह रहे देखो पुत्र को चाहता है और पशु को चाहता है ठीक है कल इच्छा करने में से मिल जाएगा साधन भी करना मत तरह, है आ, इच्छा करने से वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है अनुष्ठान भी करना पड़ता है ठीक है ये मिल जाए ये मिल जाए तो इच्छा पूरी हो जाएगी अनुष्ठान करोगे तो इच्छा की पूर्ति होगी वो भी शास्त्रीय सा, इच्छा हो जो पुत्रादि प्राप्ति जो निमित्त का साधन अनुष्ठान करता है इच्छा करके इमाम च लोकम च इच्छत इच्छते था आत्मनिपदी छांदस प्रोग है लोक को भी प्राप्त कर इच्छा करता है फल को प्राप्त करने इच्छा करता है इच्छा करके अनुष्ठान करे तो फल भी प्राप्त तो हो जाएगा इसी प्रकार जो है हमको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए ठीक है आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो हो जाएगा। <laughs> उसके लिए आपको योग्यता प्राप्त करना पड़ेगा ना गीता में कहा कि नहीं अवानितमितम अभिमान आदि छोड़ना पड़ेगा जी की तरह तब तो वेदांत तो सुनोगे तब तो विज्ञान होगा ये सब करेंगे होगा इसलिए आशा मुश्र थी आशा बढ़कर हुआ किसके अपेक्षा से है स्मरण के अपेक्षा से <coughs> भाष्य देखो आशा वावा स्मराद भू आशा किसको कहते हैं देखो अप्राप्त वस्तु आकांक्षा है है देखो जो वस्तु प्राप्त नहीं ना उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा का नाम क्या हो गया आशा ठीक है न आशा भी कहते हैं इसको तृष्णा काम इति याम आहो पर यही साच स्मरात भूयसी ये है यहाँ पर तृष्णा को काम कहो हाँ ये सब पर्याय है ये हम्म पर्यावाची शब्द है ऐसी जो आशा है स्मराद भूयसी स्मरण से बढ़कर है क्योंकि स्मरण का हेतु हो गया ना आशा आशा पहले होती है स्मरण बाद में होता है थोड़ी टीका है देखो आशा यहाँ भूयस्तम आकांक्षा द्वारा विपद आशा जो है वो बढ़कर है स्मरण की अपेक्षा से इसमें आकांक्षा क्या होगी कथम भाषा में मतलब आशा बढ़कर क्यों है स्मरण की अपेक्षा से भाष्यकार कहते हैं आशाया ही अंतकर्णस्थया ये देखो अंतकरण में जो आशा है ना क्योंकि आत्मा में नहीं है आशा आत्मा में इच्छा नहीं रहती है ये अंतकरण में इच्छा रहती है समझ में तार्किक तो भी आत्मा में मानते हैं वेदांत नहीं मानता है ये अकण के धर्म जैसे मोटापा के धर्म को अपने में आरोप करते हो तो आत्मा मोटा हो गया इस अगर अंतगण के धर्म को अपना धर्म मानोगे तो अपना होगा नहीं होता स्मृति स्मृति स्मर्तव्यम अंतकर्ण में स्थित जो आशा है कामना है उसके कारण स्मृति स्मर्तव्यम स्मृति का अर्थ स्मरण करता है अस्मर्तव्यम का अर्थ हम्म हाँ स्मरण करना चाहिए को स्मरण करता है ऐसा हुआ? <laughs> तो यहाँ पर यह स्मर्तव्यम जो तबियत प्रत्यय है ना ये कर्म अर्थ में है किस अर्थ में है कर्म ठीक है हाँ तब्य तब्य यानी येरा है कि नहीं एक तबियत प्रत्यय होता है किस अर्थ में होता है करता तो मरता है ना तबियत कर्म में होता है और किस में होता है हाँ बात तो सही कहे कर्म में और किस में होता है भाव में होता है दोनों में होता है ठीक है सकर्मक यदि धातु हो तो कर्म में होगा और अकर्मक यदि धातु हो तो भाव में होगा समझ में आया ये स्मृति चिंतायाम ये धातु है ये सकर्म धातु है इसलिए स्मर्तव्य मुझे तब्यत प्रत्यय किस अर्थ में हुआ हम्म कारमा अर्थ मतलब स्मृति का जो विषय है उसको क्या बोलते हैं स्मर्तव्य है स्मृति का जो विषय है जिस वस्तु से भोग होगा उसका स्मरण करता है स्मृति के विषय को स्मरण करता है ये अर्थ निकलेगा आशा विषय रूपम स्मरण असौ जैसे आशा का जो विषय है उसका स्मरण करते हुए स्मरण असौ असो मतलब कौन पुरुष असो पुरुष असो स्मरो देखो यहाँ पर स्मरण शब्द आया मंत्र में भी आया स्मरो का अर्थ क्या हुआ स्मरण करने वाला स्मरती स्मर स्मरो स्मरों आशा के विषय को स्मरण करता हुआ ये व्यक्ति होता है अतः इसलिए आसे आशया अभिवर्धित स्मरणत स्मरण ऋगा दिन मंत्र ये बोलते है आशारूपी अग्नि से अविवर्धित होता है प्रदीप्त तो होता है ठीक है ना इसलिए <coughs> उसको करे बिना फिर छोड़ेगा नहीं है कि नहीं जैसे कि जो कभी खाने पीने की बहुत इच्छा हो जाती है उसको जब तक तो खाएगा नहीं वो छोड़ेगा नहीं बच्चे लोग है होते हैं कि नहीं चॉकलेट खाने की इच्छा होती है कुछ भी करो जब तक तो चॉकलेट नहीं मिलेगा तब तक तो छोड़ता नहीं है कि नहीं।, नहीं उसके बाद बस कुछ नहीं चाहिए उनको है कि नहीं वह वह उतना अच्छा है इस बार ज्ञानी का भी ऐसे होता है ज्ञानी का भी बालक की तरह होता है भूख लगती है तो हमको रोटी चाहिए बस बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं जैसे है ना <laughs> बालक को जैसे छोटा बालक को चॉकलेट खाने की इच्छा होती है ना तो उनका चॉकलेट से ही मतलब बाकी वो स्वर्ग का अमृत भी दे दो तब भी फेंक देगा वो फेंक देगा कि नहीं कौन बालक इस बैर जो ज्ञानी होते हैं ना बस जो भूख लगती है उनमें उस समय क्या चाहिए उनको भोजन चाहिए बाकी कुछ भी देगा कोई मतलब नहीं उसका क्या उपयोग उसका मतलब है कि नहीं <laughs> इसलिए ज्ञानी कोई इसलिए बालक का आ गया ठीक है <coughs> आशा विषय रूपम स्मरण असुस्मर इत तो हो गया भूता। स्मरा भूता स्मरा भूत कौन हो गया हम्म में देखो स्मरणूता भूत कौन पुरुष अर्थ क्या का है स्मरण करने वाला जो पुरुष भूतकार स्वरूप है ना स्मरा स्वरूप कौन हो गया यहाँ पर पुरुष व्यक्ति हो गया होता का बाद स्मरण करने वाला व्यक्ति जो है ठीक है स्मरण स्मरण करता हुआ किसका स्मरण करता हुआ बोले रिगाधीन मंत्रान भाई रिगाधीन मंत्र का स्मरण करता है फिर क्या करता है पढ़ता है अधित्य अधित्य च अध्ययन करके फिर जो विधि को भी जान लेता है ये जो मंत्र हैं जाग का अनुष्ठान कैसे करना है ब्राह्मण वाक्य से ठीक है हाँ तदर्थम ब्राह्मण्यो उसके अर्थ को ब्राह्मण्यो विधि ये देखो ब्राह्मण वाक्य हो गया ठीक है उसके विधि को सुन करके हम्म कर्माणी कुरुते फिर कर्म भी कर लेता है ठीक है न अर्थात फलाशया उसके फल की आशा से पुत्राश्च पशुश्च कर्म फल भूतान इच्छते कर्म का जो फल है उसकी क्या करता है इच्छा करता है इच्छते आत्मनिपद हुआ लेकिन है ये परसिम पद इसलिए कहते अविवांच परसम पद कर दिया हम्म आशाए व तत्साधना अंतृष्टे न आशा के कारण ये उसके साधन को फिर अनुष्ठान करता है जिस साधन से फल की प्राप्ति होगी ठीक है इसलिए पहले क्या हुआ स्मरण उसके बाद नहीं ये क्या बोलते इच्छा आशा आशा है पहले आशा है उसके बाद स्मरण है, है कि नहीं फिर उसके बाद क्या करता है फिर अनुष्ठान करता है ये तात्पर्य फिर फल प्राप्त करता है इमाम चलो कम आसिद्ध एवं स्मरण लोक संग्रह हेतु भी इच्छते ये देखो इस लोक को भी प्राप्त करने की इच्छा करता है परलोक की प्राप्त करने की इच्छा करता है कौन करता है आसिद्ध आशा अग्नि से जो प्रदीप्त पुरुष है मतलब कामना युक्त पुरुष है ठीक है ना स्मरण स्मरण करता हुआ तो लोक संग्रह हेतु भी इच्छते लोक संग्रह के हेतु से इच्छा करेगा लोक संग्रह यहाँ पर क्या है जानते हो वो लोक संग्रह नहीं जो ज्ञानी जैसे करता है यहाँ पर लोकार्थ फल लोकार्थ क्या है फल फल की प्राप्ति हो गया लोक संग्रह एक बड़ा विलक्षण शब्द का प्रयोग किया है लोक संग्रह के लिए इच्छा करेगा भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं इले सब धन संपत्ति जुटाओ ऐसा कह रहे हैं क्या भगवान भाष्यकार लोक संग्रह तो बोल दिया यहाँ पर <laughs> लोक संग्रह लोक संग्रह के लिए जो इच्छा करो संसार की ऐसा कह रहे हैं कह है तो दिया लोक संग्रह बोल दिया ऐसा नहीं है प्रसंग क्या चल रहा है देखो प्रसंग कोई ज्ञानी का प्रसंग यहाँ पर नहीं चल रहा है <laughs> प्रसंग तो उपासना का चल रहा है समझ में कि नहीं कौर उत्तर उत्तर बड़ है बड़े ये प्रसंग चल रहा है ज्ञानी का प्रसंग है क्या नहीं, नहीं। लोककार्ध यहाँ पर क्या फल लोका नाम संग्रह इति लोक संग्रह लोककार्ध क्या हुआ फल लोकते भुज लोक हो गया और संग्रह कार्ध क्या है प्राप्ति हो गया लोका नाम संग्रह इति लोक संग्रह संग्रह ग्रह उपाधन है धत्व है संग्रह का अर्थ क्या होगा प्राप्ति उस प्राप्ति का जो हेतु मतलब साधन है ना हाँ फल की प्राप्ति होगी बिना साधन से हाँ जैसे मान लीजिए भोजन की इच्छा होगी भोजन की इच्छा होने पर क्या करते हो भोजन कैसे बनेगा उसको जुटाओ दाल है चावल है कि नहीं <laughs> तब तो भोजन प्राप्त होगा नहीं तो कैसे होगा आप कहीं भिक्षा करने जाते हो तो बात अलग है घर की बात कह रहा हूं <laughs> अमुक भोजन करने की इच्छा तो जुटाना पड़ेगा सब है कि नहीं ये कहते हैं लोका संग्रह हेतु लोका जो फल है उसकी प्राप्ति का जो हेतु है सामग्री उस सामग्री के द्वारा इच्छा करता है इस साधन से मैं इसको मैं प्राप्त करूं तब अनुष्ठान करेगा आगे ठीक है ये तात्पर्य तो अमुम लोकम आसिध स्मरण लोक को भी पर लोक को भी प्राप्त करने की इच्छा करते हुए देव का आसिद्ध अग्नि से कौन से अग्नि आशा रूप अग्नि से युद्ध इन्धी दीप्तो इधी दीप्तों से युद्ध होता है स्मरण स्मरण करता हुआ तत्साधना अनुष्ठान न फल प्राप्ति का जो साधन होता है उसका अनुष्ठान करना पड़ता है आ, केवल इच्छा करने मात्र से फल की प्राप्ति कहाँ होगी अनुष्ठान के बिना नहीं फल प्राप्त होता है चाहे नित्य फल हो चाहे अनित्य फल हो अनुष्ठान तो साधन तो करना ही पड़ता है ठीक है ना? अतः आशा रसना अवधम स्मराकाशा दिना पर्यतम जगत चक्ति भूतम प्रति प्राणी ये देखो ये सारा जगत जो है ना ये बंधा है बंधा है एक रस्सी है ये रस्सी से बंधा है ये ये सारा जगत कौन सी रस्सी मालूम है आशा आशा रूपी रसी से जगत बंधा है ये कह रहे देखो है ना आशा रसना अवबद्धम है ना रसना किसको बोलते मालूम है बोलो बोलो वो रसना इंद्रिया नहीं यहाँ पर कह रहे इसलिए तो पूछ रहा हूँ रसना वहा कोई कोई ना कोई बोलेगा रसना इंद्रिया इसलिए बोल रहा था रसना यहाँ पर क्या है रस्सी यहा रचना कर तो रस्सी है ये आशा रूपी रसना से रज्जू से ये बंधा है सारा जगत ये सारा जगत आशा से ही चलता है <laughs> क्यों ना? आशा हो उस जगत को प्राप्त करने की फिर आगे अनुष्ठान करते हो <laughs> आशा रचना अवधम स्मरा आकाश आदि पर्यंत अब स्मरण तक तो चलता ना और पहले आकाश है और पहले क्या कहा सबसे पहले नाम शब्द है नाम वहां तक ये सारा जगत है जगत चक्रीभूतम ये जगत जो है ना वो चक्र की तरह चल रहा है ठीक है नहीं आशा हो फिर धर्मा धर्म करते हो फिर फल मिलता है फिर आशा होती है फिर धर्मा धर्म ये हो चलता ही रहता है कौन पहले कहना मुश्किल है बेस है ना अंडे है मुर्गी है अंडे है मुर्गी चलता ही रहता है इस बेकार शरीर है धर्मा धर्म है फिर शरीर है फिर धर्म चलता ही रहता है इस चक्र <laughs> बोलते हैं। प्रति प्राणी प्रति प्राणी हाँ। हाँ, हाँ। है हाँ हा प्राणी शब्द है ना प्राणी नाम करो प्राणीनम प्राणिन प्रति आ, प्रति प्राणी अर्थम अर्थम प्रत्यर्थम है कि आया ना आ, वो अव्यप से है इसलिए अव्य हो गया ये योग्यता विपसा है ना यहाँ पर यथा के अर्थ है योग्यता विपसा पदार्थ अंत सादृश्यानी यथा के चार अर्थ होते हैं उसमें एक आया विपसा दिनम दिनम यति प्रतिदिनम इस वह प्राणिनाम प्राणिनम प्रति प्रति प्राणी ये न पुषक प्रति प्राणी अतः इसलिए आशा भूयस्तम इत्यतः आशा उपास्य आशा तो वह स्मरण से ही बढ़कर हुआ क्योंकि पहले आशा होती है वस्तु की फिर वस्तु का स्मरण होता है है कि नहीं हाँ आपके चित्त में बहुत आशा है है कि नहीं और बहुत विषय का स्मरण होता है क्या बोलो नहीं होता है क्यों नहीं होता है हा? यद विषय आशा होगी तद विषय स्मरण होगा कि नहीं आप लोगों को बहुत लोगों को जानते हो है कि नहीं तो अमुक अमुक व्यक्ति का स्मरण करते हो बाकी व्यक्ति का स्मरण क्यों नहीं करते हो तो उस व्यक्ति से आपके आ, आपके उद्देश्य की पूर्ति होगी उस व्यक्ति का स्मरण करते हो बाकी व्यक्ति का स्मरण करते हो नहीं करते <laughs> इसलिए आशा में ब्रह्म की दृष्टि से उपासना करो <coughs> मंत्र है द्वितीय मंत्र तुपास्त। आशयाश्च सर्वे कामः समृद्ध्यन्ते अमोघा हास्य आशिषो भवन्ति यावत् आशया गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति य आशां ब्रह्मैत्युपास्ते अस्ति भगव आशाया भूय इत्याशाया भाव भूयो अस्तिथि तन्मे भगवान भ्रवित्व जो कोई आशा ये ब्रह्मा है ऐसी उपासना करता है मतलब जिस समय आशा होते ना उनको वो ब्रह्मा है बस ऐसे ही चिंतन करना है और तमें तो आशा नहीं होगी जिस समय आशा होती है वो ब्रह्मा है है ना इसलिए क्या है शास्त्रीय आशा होगी फिर और शास्त्रीय आशा नहीं होगी ब्रह्म का चिंतन हो तो और शास्त्रीय आशा हो ही नहीं सकती <laughs> है शास्त्रीय आशा होगी ठीक है बस मैं गुरु के पास जाऊं गुरु का दर्शन करो ओमक पुस्तक का अध्ययन करो ये तो आशा है कि नहीं ये आशा ये साधन बन जाती <laughs> है आशा ठीक है तो फिर क्या फल होगा ऐसी उपासना करने पर अश आशया है सर्वे कामा समृद्धंती इस उपासक की आशा जो है ना इस आशा से जो इच्छा करे सब पूर्ति हो जाएगी सर्वे कामा समृद्धंती कामना समृद्ध होती है मतलब क्या कामना पूरी हो जाती है ठीक है हाँ ऐसा है आगे लिखते देखो अमोका आशीष भवंती उनके जो आशी है ना उनकी जो इच्छा है वो अमोक अचूक हो जाती है पूरी हो जाती है हो हो। कभी फेल नहीं होती आशा इसलिए कहते सत्य संकल्प उपासक का जो संकल्प होता है ना वो सत्य हो जाता है पूरा हो जाता है ठीक है ना <coughs> इसलिए यावत आशा गतम आशा के क्षेत्र जहां तक है मतलब जद विशक इच्छा हो तब पूरा वहां पर स्वच्छंद विचरण हो जाता है ये आशाम ब्रह्म उपास <coughs> बढ़कर कोई है क्या बोलते हैं उसका उपदेश करे भाष्य है आसाम ब्रह्म उपासते जो कोई आशा ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है सुनो तस् फलम उसका ये फल कह दिया आशया सदा उपासितया आशा तो सबकी होती है लेकिन पूरी नहीं होती है है ना क्योंकि उपासना नहीं किया है ना अरे उपासक तो उपासना किया है ये बोलते आशया सदा उपासितया आशा हो गई उपासित क्योंकि आशा में ब्रह्म के दृष्टि से उपासना हुई है इसलिए अस्य उपासक अस्य ये जो उपासक है सर्वे कामा समृद्धें मतलब समृद्धि गच्छन्ति वो कामना जो है वो समृद्धि को प्राप्त करती है क्यों प्राप्त तो हो हेतु क्या है तो क्योंकि अचूक हो जाती है ना उनकी आशा पूरी हो जाती है अमोगा हास्य आशीष प्रार्थना सर्वा भवन्ति यत् सर्व तथ अवश्यम बवती भवति इति ना जिस वस्तु को जिस वस्तु की इच्छा करता है ना वो इच्छा पूरी हो जाती है अचूक हो जाती है या गतम है इत्यादि इसका अर्थ पहले की तरह ही है। <coughs> कहां तक पहुंचेगा आप आशा तक पहुंचेगे उससे बढ़कर कौन है ये पूछा था तो पंचदश खंड में इसका उत्तर है प्राणो वा आशाया भूयान यथावा अरा नाभो समर्पिता प्राणे सर्वम समर्पितम् प्राणा प्राणेन याति प्राणा प्राडं ददाति प्राणाय ददाति प्राणोहा पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणः स्वसा प्राणः आचार्यः प्राणो ब्राह्मण तो कह दिया प्राण निकल गया आशा करते रहो होगी <laughs> प्राण निकल गया तो क्या आशा होगी फिर जो करना है प्राण रहते रहते करो बस <laughs> परमात्मा को प्राप्त करना इच्छा है कि संसार को प्राप्त करने की इच्छा ब्राह्मण लोग जाने की इच्छा है कि नहीं कुछ मंत्र बनने की इच्छा है कुछ बनने की इच्छा तो पहले से कर लो प्राण निकल गया तो क्या होगा फिर दूसरा जन्म होगा वहां पर होगा कि नहीं होगा क्या पता है फिर हाँ एक व्यक्ति बोलेगे महाराज जैसे उनका इसलिए महाराज महाराज मेरे मन में इच्छा हो कि बन जाऊं क्या क्या पूछे बन जाऊंगा क्या बन जाऊ क्या, क्या हो सकता है साधु पूछा हो साधु की बात कर रहा हूं मैं तो उसने पूछा कि स्वामी जी मैं बन जाऊं क्या आ, तो क्या हो सकता है हा मंत्र तो महाराज ने कहा गंभीर हो क्या इच्छा है तो ही जाओ <laughs> नहीं तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा <laughs> <laughs> तो आशा यहा प्राण व भुयान क्योंकि ये प्राण से यहाँ पर बेष्टि प्राण नहीं यहाँ पर समस्टि प्राण हिरण्य घर सूत्रार्थ में है समष्टि प्राण के, के लिए कह रहे हैं बेष्टि प्राण नहीं ठीक है और बेष्टि तो भिन्न नहीं ना है सभी जगत को धारण करने वाले जो सूत्रात्मा जो प्राण है है ना वही क्या है आशा से बढ़कर है और वो क्या है सबका आश्रय है वो प्राण जो है सबका आश्रय है ये सर्व आश्रयत्व को सिद्ध कर रहे हैं पहले सबका आधार वही है है ना? नृष्टानते यथावा नाभो, समर्पिता बा और बा में जो है ना, नक दीर्घ क्यों नहीं लगा बा का आ है है ना स्वरूप जी और का अ लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए नहीं लगा क्यों क्यों न है? बात तो सही कहा इसने कौन सिद्ध है भाई बा शब्द नहीं यहाँ पर बई शब्द है क्या शब्द है बई बई आगे और आका अचो यवा से क्या आदेश हो गया यकार का लोप हो गया किससे तस्से लोप किससे लोपल है दीर्घ नहीं लेगा कौन असिद्ध हुआ किसके प्रति लोपसा कलश से असिद्ध हुआ किसके प्रति अकन दीर्घ के प्रति अकस्म आक, दीर्घ नहीं लगा ये वही शब्द है बा शब्द होता तो हो जाता बा शब्द यदि होता मूल में तो बा और आ, आ आगे अकस्मा दीर्घ से क्या हो जाता दीर्घ दिर्ग हो जाता अकस्मत दीर्घ नहीं यहाँ पर नहीं हुआ तो ये जो है यथा वही नाभो और समर्पिता जैसे नाभी होते हैं नाभि नाभी नाभी और नाभि में सब और लगी रहती है चक्र होते हैं ना वो उसमें ओराय जो होती हैं सब किस में लगी रहती है नाभी में नाभी हो गया आश्रय इसी प्रकार से एवं अश्विन प्राण है सर्वम समर्पितम ये सारा जगत जो है ना ये कहाँ पर आश्रित है ये प्राण में आश्रित है समष्टि प्राण में ही सारा जगत ठीक है ना और ये समष्टि प्राण को जो उत्पन्न करते हैं आगे फिर स्थूल उत्पन्न होगा सब ये सारा जगत जो है प्राण में तो अंत तो है ना आश्रित है इसलिए कहते हैं यहाँ पर प्राण ना जाती और केवल इतना नहीं और सर्वात्मक भी प्राण है, है कि नहीं सर्वात्मक वो कारण हो गया ना सूक्ष्म कारण हो गया ये सारा स्थूल कार्य हो गया इसलिए सर्वात्मा है ठीक है इसलिए सर्वात्म भाव पहला कह दिया सर्वाश्रत्व और दूसरा क्या है सर्वात्मकत्व कितने गुण हो गए दो गुण ये समष्टि प्राण में दो गुण पहला क्या है सर्वाश्र दूसरा क्या है सर्वात्मकत्व ठीक है ना रण इसलिए कहते हैं प्राणा प्राण ना जाती प्राण ही प्राण से जाता है क्योंकि प्राण से कोई अतिरिक्त है नहीं बोल रहे हम्म अब प्राण प्राणम ददाती क्योंकि प्राण सर्वात्मा है ये प्राण ही प्राण को देता है प्राण ही प्राण को देता है और किसके लिए देता है जिसको देता है वो भी प्राणी है ये सब करते ना ब्रह्मा और ब्रह्म ब्रह्म सर्वात्मा है खाने वाला ही ब्रह्मा जिसको खा जाता है वो सब ब्रह्मा सब ब्रह्म ही ब्रह्मा है साधन ही ब्रह्म है है देखो प्राणाय ददाती प्राणो पिता ये पिता भी प्राण से भिन्न नहीं है सर्वात्मा होने से हेतु क्या है सर्वात्मा होने से प्राण ही पिता और माता वो भी प्राणी है ठीक है ना जैसे स्वप्न में जाते हो सारा जो भी दिखाईता है मनी निन निन तो है सपनों में दिखता है जो भी दिखता है कि माता पिता जो भी हो कौन है मनी तो है ना ठीक इसी प्रकार से ये सारा जगत क्या है वो प्राणी है प्राण सर्वात्मा होने से बोल रहा है प्राण स्व प्राणो भाता ये भ्राता जो भाई भी वो प्राणी है और प्राण ससा है ना ससा पुलिंग है कि स्त्रीलिंग है ये हम्म स्त्रीलिंग है ना स्वश्री स्वश्री का प्रथमा एक वचन क्या बनता है स्वसा बनता है ठीक है और प्राण आचार्य ये आचार्य वो भी प्राणी है प्राणो ब्राह्मण ब्राह्मण भी प्राणी है दो यहाँ पर गुण कहा गया सर्वाश्रयत्व सर्वात्मकत्व ये समस्टि प्राण है <coughs> देखो जी थोड़ी टीका है प्राणस सर्वास्पत्व भूयस्तम कथ्यती ये देखो पहला गुण कह दिया ये प्राण क्या है सर्वास्पद आस्पद बोले आश्रय सर्वेशा आस्पद यदि सर्वास्पद आस्पद किसको वो आश्रय प्रतिष्ठा इसलिए सबकी प्रतिष्ठा आश्रय प्राण है इसलिए भूयस्तम प्राण में भूयस्त है आशा से भी बढ़कर है इस चीज को कहते हैं कथयति नाम उपक्रम भाष्य देखो नामोपक्रम आशात कार्य कारण च उत्तरतर भूयस्तया अवस्थित स्मृति निमित्त सदभाव आशा रिपासी विषम इव तंतुभि प्राणे समर्पितम देखो ऐसा होता है नाम से उपक्रम किया ना और स्मरण से ये प्राण से पहले क्या था कहाँ तक थे आप आशा तक आ गए थे नहीं नाम उपक्रमम। आ दूसरा आशांतम जिसके अंत में आशा है वहां तक ये सब परस्पर में कैसे है कहीं के कार्यकर्ण भाव है और कहीं के निमित्त निमित्तिक भाव कार्यकर्ण भाव मतलब उपादान को लेकर के जैसे मृत्यु का और घट मृत्तिका और घट घट का उपादान मृत्यु का है और घट और दंड में निमित्त निमित्तिक भाव है घट का निमित्त दंड है और घट का उपादान कौन है मृत्यु का है समझ में <laughs> ऐसा है निमित्त निमित इकते ना उत्तर उत्तर भूय अरे उत्तर उत्तर क्या है श्रेष्ठ है पूर्व पूर्व पे उपचास से उत्तर उत्तर श्रेष्ठ कहा गया आशा तक पहुंच गया अभी प्राण तक आया थोड़ी टीका देखो प्रकृत श्रुति के ये जो प्रकरण जो श्रुति चल रही है उसको लेकर के तत् उपक्रमे यश जगत ये ताम उपक्रम का है ना तत्पक्रमे यश्य जगत अस्थि तथा तो ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं लोग तो कहते हैं तथ तत् से कह लेंगे नाम तत् यहाँ पर नाम लीजिए कस्य यगत है ना जगह तो अस्थि तथा वहां पर जो तत् से कह लेंगे तत् से कह लेंगे जगत <laughs> अन्य पदार्थ हो गए ना समाज। नाम है उपक्रम में जिसके ऐसा बोल रहे कौन है, है? जगत तो है आया? तो तो से क्या लेंगे? नाम उपक्रम ये पंक्ति लगती नहीं है ध्यान से सुनेंगे एकाग्रता से तब जाकर पंक्ति पकड़ में आएगी ठीक है ना ऐसा कह रहे तथा तत तथ का मतलब जगत वो जगत किस प्रकार का हुआ तथा तथा मतलब नाम उपक्रम नाम उपक्रम का अर्थ लिख रहे हैं ना ये आगे देखो पाठक्रम एवं आश्रित क्रम को लेकर के ही आशाच अन्ते आशा च अंत यश अस्थि है ना आशा अंत्य बोल दिया यहाँ पर बहुवरी समय ऐसे ही करो आशा च अंत अस्ति अस्थि आशा है अंत में जिसके तत् कौन हो गया आगे जगत को लिख दिया है ठीक है मैं जगत तथा तथा मतलब अशांतम आशांतम हो गया नाम से लेकर कहाँ तक है आशात मतलब अंत में आशा है और आदि में नाम है ठीक है ना रण ऐसा ले लो ओम इति विग्रह ये शब्दों का विग्रह पत नाम उपक्रम 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 आगे क्या है आसानतम दो शब्दों का अर्थ तो बता दिया तो क्या होता है परस्पर में कहीं कहीं कार्य च कार्य काचत क्वाचात क्वाचित कम उपादेन उपादेयत्तम कहीं कहीं जो है क्वाचित का। क्वाचित का जानते हो क्वचित भवती क्वाचित सिद्धांत कुमी में आया कि नहीं क्वचित भवती इति कहीं कहीं होने वाले को बोलते हैं क्वाचित आया तो कहीं कहीं जो कार्य करना भाव होता है उपादेना उपादेय भाव उपादान और उपादेय भाव जैसे मृत्यु और घट मृत्यु और घट की तरह हुआ ठीक है <coughs> जैसे वहां ना पर नाम और क्या है शब्द नाम सामान्य शब्द और मंत्र दोनों में क्या होता है उपादान उपादेय भाव होता है सामान्य शब्द क्या है उपादान है और विशेष शब्द उपादेय होता है और व्याकरण के अनुसार स्फोट होता है स्फोट 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 को नित्य बोलते हैं बोलो क्या बोलते हैं नित्य बोलते हैं ठीक है और अनित्य शब्द होता है स्फोट शब्द हो गया उपादान है कि नहीं और ये ध्वनि बगरा शब्द क्या हो गया उपादेय हो गया के नहीं और ऐसे वेदांत सिद्धांत भी ऐसा है परमात्मा जो है शब्द से उत्पन्न करते हैं जगत को कैसे उत्पन्न करते हैं शब्द से उत्पन्न वेदांत के अनुसार जो शब्द है ना वो शब्द निमित्त है जगत का उपादान कौन नहीं उपादान हो गया ब्रह्म वेदांत के अनुसार शब्द उपादान नहीं है शब्द के भू कह दिया शब्द तो कौन प्रकट हो गया पृथ्वी प्रकट हो किससे प्रकट होगी उपादान है और निमित्त कौन शब्द वेदांत के अनुसार शब्द उपादान नहीं है शब्द ब्रह्म जो बोलते हैं ना ऐसा वेदांत के अनुसार शब्द निमित्त होता है उपादान नहीं होता है है ना ये वैयाकरण मत के अनुसार शब्द से ही जगत की उत्पत्ति वहां पर शब्द क्या है उपादान है <laughs> अंतर है ना? ना? ना चलो <laughs> और कहीं कहीं जो होता है कार्यकरण भाव जानते आप लोग निमित्त नैमित्तम अपनी क्वाचित कम एव जैसे घट और दंड यहाँ पर क्या है निमित्त नैमित्त भाव हुआ समझ में आया जैसे आशा बता दिया थे ना आशा आगे क्या है स्मरण पहले कौन होता है आशा पहले होती है स्मरण बाद में होता है दोनों में क्या है कार्यकर्ण भाव तो है लेकिन निमित्त अनिमित्तिक भाव है समझेगी नहीं आशा का निमित्त कौन नहीं नहीं स्मरण कर ले लो स्मरण का निमित्त कौन आशा स्मरण का उपादान कौन मन नहीं <laughs> मन है अंत है जहां पर आशा है वहां पर स्मरण भी है दोनों वृत्ति रूप न है क्या दोनों में उपादान उपाध्यय भाव नहीं है दोनों में क्या रहेगा निमित्त नैमित्तिक भाव रहेगा उपादान तो दोनों का चाहे इच्छा हो चाहे स्मरण हो कहाँ पर होंगे सब मन मन ही दोनों का उपादान है है ना न साक्षात उपादान परंपरा से तो ब्रह्म ही सबका उपादान है है कि नहीं <coughs> ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्णाद पूर्ण पूर्णमा पूर्णिष्य ओम शांति शांति शंकर शराय शंक, शूद्रभाष भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्में मूर्ति विभागि व्योम व्याप्त देह दक्षिणा दक्षिणामूर्ते नम ओम शांति शांति ओम